तेरा लड़का सारे पैसे डुबाएगा बेटा, ये सब जुआ है जुआ। ब्रो माइनिंग में पैसा डुबाना तो मुझे दे देना, कम से कम गरीब के काम तो आएगा। हाय अल्लाह, तुम जुए में लग गए। ऐसे काफी सारे मिथ्स आपको सुनने को ऑलरेडी मिले होंगे, तो इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही मिथ्स को हम कवर करेंगे। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। हेलो गाइस, आई एम भुवन मेहता एंड वेलकम टू काइंड पंजाबी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ एक प्यारे मिथ्स जो हैं माइनिंग को लेकर, हम उनको करने वाले हैं रिजॉल्व। आपको एक क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है कि क्या इस टाइम के ऊपर भी माइनिंग करनी चाहिए या नहीं। माइनिंग करना या ना करना एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, जिसके अंदर दोनों साइड्स लोगों की होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई ये बहुत रिस्की है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। कुछ लोग कहते हैं कि अरे भाई माइनिंग करके तो देखो पैसों की बरसात होगी, पैसा ही पैसा होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम उसके पूरे चीर फाड़ करके निकालने वाले कि भैया आज की डेट में करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज लोगों के माइंड में जो आती है वो ये है कि भाई कल को बिटकॉइन बंद हो गया तो राइट, इट्स एग्जैक्टली राइट। बिटकॉइन से मेरा मतलब है क्रिप्टो करेंसी। अगर कल को बंद हो जाए तो क्या आपको लॉस होगा? लेट्स से यस, मोस्ट प्रोबेबली होगा। बट द थिंग इज, अगर आज की डेट में आप कार्ड वगैरह पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैक्सिमम जो लॉस होने वाला है, आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी है उसका 50-60% का आपका लॉस होने वाला है। क्लियरली मैक्सिमम लॉस इज 50%। अगर आप लोग 10 लाख लगा रहे हो तो 5 लाख का लॉस, आप 50,000 लगा रहे हो तो 25,000 का लॉस, आप ये एक एक्सपेक्टेड रेशियो मान के चल सकते हो। ऐसा क्यों? लेट मी टेल यू। फर्स्टली जो आपने बिटकॉइन माइन करे होंगे वो डेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर क्रिप्टो माइनिंग क्रिप्टो करेंसी बंद होती है तो ओनली एंड ओनली होगी कि नहीं होगी वो फर्दर मैं आगे वीडियो में बताऊं। तो आपने जो क्रिप्टो उस टाइम तक माइन किया होगा, कोई भी करेंसी व्हाटसो एवर, इथेरियम, बिटकॉइन, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी आपने जो माइन किया होगा वो सब जीरो हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, चाहे 0.1% है, बट है पॉसिबिलिटी। हम पूरी उठा के चलेंगे इस वीडियो में। कल को मार्केट में क्रिप्टो करेंसी बंद होती है तो आपका क्रिप्टो जो आपने माइन किया होगा वो तो उड़ गया, देखो क्लियरली। नेक्स्ट जो बची आपकी चीज, आपकी माइनिंग मशीन, जिसकी वैल्यू आप डायरेक्टली 50% काट दीजिए। मतलब यस, वैसे तो सच बताऊं तो आप 60% भी काट सकते हो। ये हो गया सबसे वर्स्ट सिनेरियो कि अगर ऐसा होता है तो। नाउ लेट्स अज्यूम कि अगर क्रिप्टो करेंसी बंद नहीं होती तो क्या हो सकता है उसके अलावा। लास्ट कुछ सालों का जो पैटर्न है वो ये है कि माइनिंग की, भाई क्रिप्टो करेंसी जाती है एक बूम पे, ठीक है, उसके बाद आती है पटक के नीचे, उसके बाद वो चलती है ऐसे काफी टाइम तक, जो कि इस टाइम पे ऐसे चल रही है। एक चीज और हमेशा याद रखना, जब भी क्रिप्टो के अंदर बूम आ रहा होगा, कोई सेंस है इस बात की, और क्रिप्टो के अंदर बूमिंग चल रही होगी, उस टाइम पे माइनर्स बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। इस टाइम पे भी बहुत भाई बम बम दिमाग फटा पड़ा लोगों का, माइनिंग बहुत चल रही है, दबाव आगे चल रही है, इतने बड़ा बड़ा कोठे बनाए खड़ा लोगों ने। कोठे मतलब तुम गलत वाली चीज़ें मत सोचा है प्लीज, बट या कोठा मीन्स के बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज में बहुत सारी मशीन्स लगा के चल रही है माइनिंग। तो ये तो हो गई हमारे लॉसेस की बात। और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, तो आज की डेट के अंदर अगर आप माइनिंग करते हो तो आप कितना अर्न कर सकते, वो डिपेंड करता है सिर्फ आपके कार्ड्स के ऊपर। जैसे कि अगर हम शुरू करते हैं सिर्फ और सिर्फ 1/30/70 से, मैं थोड़ा हायर साइड ले रहा हूँ, सुनने में अच्छा तो लगे आप लोगों को। अगर आप 30/70 से माइन करते हैं तो आप माइन कर सकते हैं 62 मेगा हैश के ऊपर, जो कि कार्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। लेकिन उस कार्ड का रेट 1,30,000 पे है, प्लस अगर आपने एक बजट माइनिंग रिग भी बनानी है 30/70 के साथ, आई एम टॉकिंग अबाउट 30/70 बजट माइनिंग रिग बनाते हो, तो उसके अंदर आप 62 मेगा हैश लेने के लिए आपको साथ में सीपीयू भी लेना पड़ेगा, मदरबोर्ड भी लेना पड़ेगा, रैम भी लेनी पड़ेगी, हार्ड ड्राइव भी लेनी पड़ेगी, पावर सप्लाई भी लेनी पड़ेगी, फिर स्क्रीन भी लेनी पड़ेगी, सारा सबका जोड़ के 1,25,000 प्लस 50,000 मोटा मोटा जोड़ लो, 150 रुपया देगा। मैं मोटा मोटा इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तो हर चीज़ के रेट बड़े हुए हैं, ये सारा काम 25,000-30,000 में भी हो जाता है, लेकिन इस टाइम हम पूरा खुल के पैसा लगाने वाले हैं, तो हम लोग बात करने वाले हैं 50,000 लगाने की, ठीक है, ओके नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोगों ने 1,75,000 लगा दिया। 1,75,000 के ऊपर अगर हम लोग ये देखें कि भाई साहब रिटर्न कितना आ रहा है हमें आज की डेट में, जहां पर $2,100 के अराउंड जो कि 2,000 से 2,200-2,300 के अराउंड इस टाइम पे हमारा चल रहा है इथेरियम, 2100 को हम एक राउंड एक वो मान लेते हैं, तो 2100 की वैल्यू के ऊपर आप कितना एक जनरेट कर सकते हो पर डे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पर हम आ गए एक वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है वट टू माइन। वेबसाइट के ऊपर आके आप देख सकते हैं सामने आपको सारे कार्ड्स ऑलमोस्ट दिख जाते हैं, जिसके अंदर 3060, 3060 Ti, 3070 जो भी आपका कार्ड है आप डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे को सिर्फ इथेरियम का देखना है और मैंने ओवरक्लॉक कर रखा है, सो आई एम गोना पुट 62 मेगा हैश ओवर हियर, और हम करेंगे सिर्फ मात्र कैलकुलेट
और कैलकुलेट करके इट इज शोइंग मी जस्ट $3.66 ओनली पर डे इथेरियम अगर मैं माइन करता हूँ इस मेगा हैश स्पीड के साथ, तो 3.66 मेगा हैश कितना बैठा, 3.66 मेगा हैश को अगर हम डॉलर्स को सॉरी चेक करें कि कितना INR के अंदर बैठता है, डैट इज जस्ट $272 पर डे, दैट्स इट। यस, और अगर हम देखें कि 272 × 30 दैट मीन्स आप 8,000 रुपीज़ पर मंथ कमा सकते हैं एक कार्ड, मतलब सिंगल कार्ड से आज की वैल्यू के ऊपर, जहां पर आज की वैल्यू अगर हम चेक करें इथेरियम की आज की वैल्यू कितनी चल रही है, इथेरियम प्राइस दैट इज 1,60,000 आज की डेट के हिसाब से, मतलब जिस दिन 1,60,000 रेट है उसके हिसाब से आपको माइन करके इतना प्रोडक्टिविटी मिलेगी जिससे कि आप एक महीने के अंदर 8,000 कमा सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा इतना एक आप जनरेट कर सकते हो एक कार्ड के थ्रू, लेकिन लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लोग पता ही करते हैं 1660 सुपर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिमाग वाला काम है, लेट मी टेल यू 1660 सुपर जो कि आपको पड़ता है अप्रॉक्स 48-45 के अराउंड आज के रेट के हिसाब से मिल जाता है। कई लोग तो इतने भाई लकी होते हैं सेकेंड हैंड मिल जाते हैं इतने बढ़िया रेट पे, मतलब लव यू गाइस, अगर तुम्हारा तो दिमाग ही मतलब अनंत पार है, मतलब मेरे को भी दिलवा दो यार, लकी बहुत अच्छा तुम लोगों का यार, प्लीज़ कोई है कमेंट सेक्शन में कोई प्लीज़ मुझे बताएगा कि 1660 सुपर मुझे मिल सकते हैं, दो चार नीचे प्लीज़ कमेंट में प्लीज़। तो 1660 सुपर के अंदर जिसके अंदर लोग निकालते हैं 28 मेगा हैश 29 मेगा हैश, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप एक 1660 सुपर लेते हैं वो कि आपको 45,000 के अराउंड पड़ता है और आपको 28 की एक बहुत ही अच्छी मेगा हैश देता है, आप 28 मेगा हैश 48 प्लस 45 मान लेते हैं एक बार 45 प्लस 45,000 लगाते हैं विच इज़ 90,000 स्टिल चीपर देन 3070। तो आप दो अगर ये 1660 सुपर लेते हैं और 28 की बहुत अच्छी मेगा हैश निकालते हैं तो आपको मिलता है कितना होता है 56 दो कार्ड अगर आप लगाते हैं विच विल कॉस्ट यू अराउंड 90,000 और आपको मिलेगी 56 की मेगा हैश जो कि बहुत अच्छी है जिसका अप्रॉक्स कुछ मतलब 3070 जितना आ जाएगा आपको स्टिल थोड़े बहुत पैसे बचा कर, मतलब 1,30,000 रुपये का 3070 90,000 का ये 40,000 आपके बचते हैं। इसके अंदर आप एक 1660 ऐड कर सकते हैं 1660 एक और ऐड करके आप इसके अंदर सुपर एटमेटली सुपर 1660 एक और ऐड करके आप सुपर इसकी मेगा हैश को 28 से और बढ़ा सकते हैं, मतलब 56 प्लस 28 84 हो जाएगी ब्रो 84, मतलब आप ऑलमोस्ट 3070 की रेट के अंदर जहाँ पे आपको 62 की मेगा हैश मिलती है वहाँ पे आप 84 मेगा हैश भी ले सकते हो, मतलब इट्स जीनियस। सच बता रहा हूँ इस टाइम लोग ऐसे ऐसे पढ़े क्या कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं यार लोग, मतलब दिल आ जाता है बिल्कुल नॉमिनल पैसे के अंदर परफेक्ट वो लोग हैश रेट निकाल लेते हैं, दिट्स परफेक्टली ऑसम। तो आज की वैल्यू के हिसाब से भी आपको समझ आ चुका होगा कि कितना एक आप आज की डेट में कमा सकते हैं और कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अपना दिमाग लगाओ, और अगर आपके दिमाग में कोई बहुत ही सेक्सी आइडिया आ जाए कि इस रेशो को यूज़ करके आप इस ग्राफिक कार्ड को यूज़ कर सकते हैं कम पैसों में अच्छी हैश रेट निकाल सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, भाई की हेल्प हो जाएगी। अगर हम फ्यूचर की बात करें क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो देखो फ्यूचर इज अनसर्टेन, ऐसा कुछ नहीं है कि कल को माइनिंग शायद बंद हो जाए या फिर क्रिप्टो बैन हो जाए, दैट इज मतलब पॉसिबल। अगर इंडिया के अंदर 500 और 1,000 के नोट बंद हो सकते हैं तो क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है, वो तो मोदी जी तो कर सकते हैं, मतलब एक मिनट लगेगा मोदी जी को, किसी भी दिन 8 बजे आएंगे और मतलब हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कोई बड़ी बात नहीं। तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए कि क्रिप्टो रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क उठाते हैं ये काम ऐसा है, इस काम के अंदर ऐसा पैसा इन्वेस्ट मत करो जो पैसा आपको ऑलरेडी किसी को देना हो, मतलब कि आपको कोई ईएमआई की किस्त भरनी है आप वो पैसा इसमें लगा दो कि हाँ भाई मैं इसमें से ईएमआई की किस्त निकाल के मैं अपनी किस्तें भरता रहूँगा और मैं बहुत अमीर बन जाऊँगा, पैसा ही पैसा होगा। प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है ऐसी बकचोदी ना करें। अगर आपके पास कुछ ऐसा पैसा पड़ा है कि हाँ जिसको आप थोड़ा इन्वेस्ट करके थोड़ा रिस्क लेके काम कर सकते हैं, मतलब विदाउट जिससे आपके लाइफ के ऊपर बेसिकली इम्पैक्ट नहीं आएगा ज़्यादा, तो आप कर सकते हैं, मतलब ये मतलब मैं प्रवोक नहीं कर रहा हूँ कि आप कर लो, मतलब मैं प्रवोक नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं, मैं कर रहा हूँ बट मैं प्रवोक नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, जिसके अंदर एक आउटपुट आपको मैंने कैलकुलेट किया है 6-8% के बिटवीन आज की डेट पर आपको रिटर्न मिलती है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर आज के रेट के हिसाब से, 6-8% रिटर्न पर मंथ मिलना इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इट्स फ्रिकिंग गुड।
जहां पर बैंक के रेट 6-7% है पूरे साल के रिटर्न के ऊपर ब्रो, वहां पे आपको मिलेगी 8% की रिटर्न, 6-8% की रिटर्न पर मंथ। हाँ, लेकिन इस रिटर्न को 6-8% की रिटर्न को आप लोग बहुत हाई कर सकते हो विद टेकिंग अ बिट मोर रिस्क, दैट इज कि अगर आप माइनिंग कर रहे हो वो पैसा उस टाइम पे ना निकाल कर, वो पैसा आपके बिट्स में पड़ा रहे, नेक्स्ट जब वेव आएगी, कोरोना की वेव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्लीज बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ कि जो बिटकॉइन की वेव आएगी जिसके अंदर बिटकॉइन का रेट बढ़ता है बहुत ज्यादा, मोस्ट प्रोबेबली इस साल के एंड या नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर आए, यू नेवर नो, इट्स बिटकॉइन। इलोन मस्क भी है, चाहे तो आज भी आ सकती है। तो जब भी वो वेव आएगी उसके अंदर आपका पैसा कई गुना हो सकता है जितनी आपने माइनिंग करके रखी होगी। जैसे जो आपने एक इथेरियम भी माइन कर रखा होगा जो कि इस टाइम पे $2,100 का है और कल को जिसका हाईएस्ट प्राइस अप्रॉक्स $3,800 के अराउंड गया हुआ है, तो अगर वो प्राइस उतना भी वापस जाता है तो आपने जो माइन किया होगा वो आपका रेट डबल हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली 2x। तो हम लोगों का कंक्लूजन ये निकलता है गाइस, अगर आपके पास पैसा स्पेयर है थोड़ा सा तो आप माइनिंग के अंदर घुस सकते हैं। इट्स रिस्की 110%, इट्स रिस्की, इसके अंदर मेरा कोई बेनिफिट नहीं है गाइस, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास पैसा स्पेयर है तो यू कैन गो फॉर इट। आपने प्रॉफिट्स देख लिए कितने हैं, कार्ड्स देख लिए आपने कौन कौन से, आपके अंदर दिमाग बहुत ज्यादा है ऑलरेडी, आप लोग अच्छी कॉन्फिगरेशन मिलाकर बढ़िया हैशर निकाल सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली सून मैं अपनी रिग के अंदर और भी कार्ड्स ऐड करने वाला हूँ। इस टाइम पे मैं दो कार्ड्स चला रहा हूँ, दैट इज 3070 and 3060, विच इज फकिंग LHR। मेरा पता नहीं कैसे कट गया, कसम से मेरा गोली मार देनी किसी ने। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है माइनिंग से रिलेटेड या कोई भी टेक से रिलेटेड या कोई अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो या कोई प्रोडक्ट आप चाहते हो कि मैं आपको शोकेस करूं, डू कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर वीडियो जल्दी बनाऊंगा। और गाइस, इस वीडियो का आइडिया मुझे दिया था अनुपम ने फ्रॉम कोलकाता, अ सब्सक्राइबर फ्रॉम आवर फैमिली, फ्रॉम काइंड पंजाबी फैमिली, तो थैंक यू अनुपम फॉर सच अ ग्रेट एडवाइस। तो प्लीज ऐसा कोई कंटेंट आपके माइंड में भी है तो नीचे कमेंट करें और मैं उस पर वीडियो सून बनाऊंगा। गाइस, इसके अंदर एक बहुत ही सेक्सी ट्रिक मैं बताने वाला हूँ आपको ग्राफिक कार्ड्स के अंदर, जिसके अंदर आपकी हैश रेट बहुत बढ़ जाएगी। उस हैश रेट के अंदर आपको क्या करना है, आपको ना लाल रंग का ना बटन दिखेगा यूट्यूब पे मेरे चैनल के नीचे, उसको क्लिक करना है, बस मेरे दिल की हैश रेट बढ़ जाएगी आप लोगों के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू हिट द लाइक बटन और नीचे जाके सब्सक्राइब वाले बटन पे ऑन लगा दीजिए, क्योंकि भाई आजकल दिलों में आग नहीं लग रही है, कोई बंदी भी नहीं पट रही है, तो तुम लोग ही दिल को आग लगवाओ मेरे सब्सक्राइब वाले बटन पे दबाकर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।